साथियों, आज जो सेमिनार हम लोग ले रहे हैं, मुख्य रूप से देश में जो बढ़ रहा है फांसीवाद के खिलाफ है। मनुवाद की जो फांसीवादी जो व्यवस्था है देश में तेज़ी से बढ़ रहा है। इस हालात के खिलाफ आज हम लोगों ने कई सारे संगठन हैं जिन्होंने मिलकर आज एक बैठक किया है, और हमारा मानना है कि ये जो मनुवाद है पूरे देश को तबाह करने में तुला हुआ है, और इनके नेताओं ने, चाहे वो वाजपेयी जी के समय में हो चाहे उसके बाद मोहन भागवत हो, इन्होंने कई मंचों पे इन्होंने कहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान के अंदर तब्दीली लाना है। तो ये आज कोशिश है कि देश के अंदर हमारा एक संविधान है, उस संविधान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो अपना लोकतंत्र है, इसको ख़त्म करने की हर तरीके से कोशिश किया जा रहा है। तो इसलिए हम ये मनुवादी जो विचार है, जो देश के अंदर फांसीवादी तरीके से देश की जनता के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमको एकजुट होने के बारे में हम लोग सोचा है। और आज जो बीजेपी आरएसएस जो मुख्य रूप से आर्थिक आरक्षण के नाम पर वन नेशन वन पुलिस, समान नागरिक संहिता, ईएसपी 2020, बिजली संशोधन विधेयक बिल 2020, सीएए, एनआरसी, एनपीआर और इस तरीके से कई सारे बातें करती है, और ये करके देश के अंदर जो शांति है, जो व्यवस्था है, उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि देश के अंदर ये जो मनुवादी जो ताकतें हैं जनता के ऊपर जाति और धर्म के नाम पर जो हमले कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमको एकजुट होने के लिए आज एक मंच बनाने की दिशा में सब लोगों ने सहमति किया है, जो मंच इस मनुवादी जो हिंदुत्व के खिलाफ, हम एक साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और एकता को कायम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।